नीट परीक्षा लीक मामले में सुभाषपा पार्टी के विधायक जखनिया, गाजीपुर विधायक जखनिया के विधायक हैं बेदी राम, जिसको आरोप है कि उनके पेपर लिंक कराने के मामले में उनको दोषी माना गया है। कुछ दिन पूर्व से उनको सीबीआई या बात करें कई पुलिस ढूंढ भी रही थी, लेकिन सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके देखरेख में उनको देखा जा रहा है। लेकिन कई उनके बयान आ रहे हैं, तरह तरह के उनके बयान आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुभाषपा से जुड़े थे, पहले सुभाषपा पार्टी में पहले रहते हैं शशि प्रताप जी, उनसे कई सालों से उनके पार्टी में रहे हैं और उनके बहुत ही करीबी रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से बेदी राम जो पेपर लीक मामले में दोषी करार हैं और फरार भी चल रहे हैं, उनको कोर्ट ने भी 18 लोगों को जो है फरार घोषित करके इनाम भी घोषित कर दिया है। उनके बारे में विस्तृत से इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला इनके संगे। सचिव प्रताप जी, जिस तरह से बेदी राम को आपने भी जाना है, सुभाष भास्कर से आपका भी बहुत तालमेल था, किस तरह से उनको देख रहे थे, क्या मामला है पूरा, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि बेदी राम जो है फरार चल रहे हैं, उनके ऊपर जो है कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बेदी राम जो जखनिया के विधायक हैं, उनका इतिहास आप देखेंगे शुरू का, तो एक मामूली से व्यक्ति थे। अनुसूचित जाति के नाम पर रेलवे में उनका टीटी में नौकरी हुई और उसके बाद से पता नहीं कौन सी सेटिंग रेलवे में वो व्यक्ति बनाया, जिससे वो पैसा लेकर लड़कों से और उसमें नौकरी लगाने का काम करता रहा। एक भी व्यक्ति का नौकरी उसने लगाया नहीं। वो करता क्या था, धंधा उन लोगों का है, इस टाइप के लोगों का धंधा होता है कि 100, 200, 300 लड़कों से पैसा ले लीजिए और सबको उसमें एग्जाम में बैठाते रहिए, खुदा ना खास्ते का दो लोगों का हो जाता है, तो उसी को देखकर और दिखाकर और लोगों से पैसा लेकर ये धंधा करने वाले लोग हैं और उससे अकूट संपत्ति उसने जमा किया है। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, आप पिंडरा विधानसभा या जौनपुर के केराकत विधानसभा के अंतर्गत कहीं भी आप चले जाइए, केवल बेदी राम का नाम ले लीजिए, सब लोग बता देंगे यही कि वही जो नौकरियां लगाता है, इसने कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब की है, कितने लोगों को जमीन जायदाद सोना चांदी गाना घर का इवन मंगलसूत्र तक को बच्चे की नौकरी के लिए लोग गिरवी रखवा दिया है। वो व्यक्ति पर 2014 से मुकदमा चल रहा है, एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तारी भी हुई है, कई मुकदमे में वो वांछित भी है और कई मुकदमे में वो हाजिर नहीं हुआ है, उसके ऊपर अनगिनत मुकदमे हैं। इधर ताज़ा जब नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला हल्ला बोल हुआ तो हम लोगों ने नेशनल इक्वल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनारस से लेकर पूर्वांचल के हर जिलों में और लखनऊ तक हल्ला मचाया, तब शासन प्रशासन का आँख खुला और संज्ञान में आया और आज मामला ये हो गया कि बेदी राम सहित 18 लोगों को कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया, गैर जमानती वारंट, और बेदी राम भागा भागा फिर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक साइकिल चोरी करने वाला व्यक्ति भी उतना ही बड़ा गुनाहगार है जितना बड़ा गुनाहगार ये लोग हैं। जब किसी की साइकिल चोरी होती है तो मुकदमा दर्ज कराता है, पुलिस खोजती है, उसी तरह इन लोगों का पुराना मुकदमा के माध्यम इन लोगों को खोजा जा रहा है। जब ये लोग पकड़ में आ जाएंगे तो देखिएगा नीट परीक्षा का भी लिंक जो है इनसे जुड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। दूसरी बात रही ओम प्रकाश राजभर जी की, तो ओम प्रकाश राजभर जी को भाई पहले देखिए, मैं जो पहले कहता रहा कि ओम प्रकाश राजभर जी के जो 6 विधायक जीते हैं सिंबल पे, एक भी इनके साथ नहीं है, एक भी इनका विधायक नहीं है। आज इन्होंने प्रूफ कर दिया कल परसों के बयान में कि बेदी राम भी हमारा विधायक नहीं है समाजवादी पार्टी का। इसके पहले अब्बास अंसारी का जो गाजीपुर का मामला उठा तो वहाँ भी कह दिया हमारा विधायक नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि कल होके उनके पुत्र पर भी अगर कोई इल्ज़ाम लग जाए तो ये व्यक्ति कह देगा हमारा पुत्र भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में फिजूल की बात करना से अच्छा है कि सरकार गंभीरता से, और एक चीज़ मैं बता दूं, सरकार को इसमें तुरंत टाइट होकर और उसकी गिरफ्तारी करानी चाहिए, अब पूरी तह तक जानी चाहिए, जड़ ही ख़त्म कर देनी चाहिए,
ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई भी गलती अब ना कर सके। बात करें कि सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, एनडीए जो इस समय एनडीए सरकार है उसमें सहयोगी पार्टी में भी हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से यूपी में बाबा जी को बुलडोजर, क्राइमों पे बहुत कंट्रोल किया जाता है, बाबा जी का बुलडोजर बहुत सख्त होता है कि कहीं भी कोई ऐसा नहीं होता, क्यों इनके ऊपर भी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं बाबा जी, क्यों ऐसा हो रहा है कि यूपी सरकार या केंद्र सरकार इनके ऊपर कोई दबाव नहीं कर पा रही है, ऐसा इनको पकड़ने में क्यों नासमझी दे रही है? देखिए, हम एक चीज़ मानने को तैयार है कि केंद्र सरकार का प्रश्रय होगा, इनको आशीर्वाद इनको मिला होगा, लेकिन बाबा जी के द्वारा कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे बाबा जी, और कतई नहीं बाबा जी इनको छोड़ने जा रहे हैं। अगर बाबा जी ने थोड़ा सा भी ढिलाई दिखाया तो उसी दिन साबित हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बाबा जी कोताही करेंगे और किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है उस खिलवाड़ में कोई कुछ करेंगे। क्या रीजन क्या है, मतलब क्या है कि इनको बेदीराम को अभी तक जो कोर्ट ने भी दे दिया है लेकिन अभी भी उनकी धरपकड़ नहीं हो पा रही, क्या हाँ से ये हो रहा है? ये कोर्ट से बड़ा कोई कानून नहीं है भारत में। अभी तक तो पुलिस खोजने में हिला हवाली कर रही थी, अब कोर्ट के आदेश के बाद कोई माई का लाल उनको बचा नहीं सकता है। कोर्ट ने आदेश दिया है वो बाबा जी का बुलडोजर हो, चाहे जौनपुर के एसपी का मामला हो, खोज से उसको निकाला ही जाएगा, वो कितना ही पताल में अंदर चले जाए, क्योंकि यह सीधे सीधे करोड़ों बच्चों के जीवन का सवाल है जिन्होंने नीट परीक्षा की तैयारी करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके और तैयारी किया और उस पेपर को लीक कराकर फेल को पास, पास को फेल कराने का काम और धंधा जो चल रहा था इस धंधे को बंद करना ही होगा, और इनकी अरेस्टिंग आज नहीं तो कल होना ही होना, इसमें कहीं से दोहरा नहीं। ओम प्रकाश राजभर का तरह तरह से बयान आ रहा है, कुछ दिन पहले जो जब इधर उठा तो ओम प्रकाश राजभर एकदम साइलेंट मोड में थे, लेकिन अब धीरे धीरे नए नए बयान आ रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले बोला कि मेरे विधायक नहीं है, तो ये विधायक इनके नहीं है, इनके पार्टी से नहीं जीते, तो किसकी पार्टी से जीते हैं और विधायक? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की फिजूल खर्ची की बातचीत तो ना किया जाए तो बढ़िया है, वो केवल फिजूल की बात करते हैं। कल तक चिल्लाते थे हमारे साथ 6 विधायक, बाद में कह रहे हैं कि हमारे साथ अब 4 विधायक, 2 विधायक हैं, अब कल कह रहे हैं कि एक हम अकेले विधायक हैं, बेदीराम भी हमारा नहीं है, भले हमारे सिंबल से चुनाव लड़ा है। तो आज के पहले ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते रहते थे आप लोगों के चैनलों पर कि देश का सबसे बड़ा झूठा आदमी मोदी, दूसरा झूठा योगी, तीसरा झूठा अमित शाह, हम कह रहे हैं कि जो ये कहते थे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का झूठा, वो भी वो झूठ बोलते थे, इनसे बड़ा इनका कहने मतलब हमसे बड़ा कोई झूठा नहीं है। यह साबित हो गया कि ओम प्रकाश राजभर से बड़ा कोई झूठा नहीं है, और जो बोलते रहे दूसरे को झूठा वो भी वो झूठ बोलते रहे। तो ओम प्रकाश राजभर सवेरे कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और, रात को कुछ और बोलते हैं। उनकी बात को ना अहमियत अब मीडिया देती है, ना कोई जनता देती है, ना कोई कार्यकर्ता देती है। यही कारण रहा कि अपने लड़के को 3-3 बार चुनाव लड़ा है, बुरी तरह हारे चुनाव। वो मीडिया के इंटरटेनमेंट के साधन हैं ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी से इंटरटेनमेंट करने के लिए मीडिया उनके पास माइक लेके जाती है, और जब तक कोई इंटरटेनमेंट का शब्द नहीं बोलते हैं कुछ, तब तक मीडिया उसके बाइट को दरकिनार कर देती है। ये स्थिति ओम प्रकाश राजभर की है। उनकी विश्वसनीयता राजनीति में और जमीन पर और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में खत्म हो गई है। ओम प्रकाश राजभर जी की बात मतलब बकवास। ये थे हमारे साथ शशि प्रताप जी, इनका साफ कहना है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते थे कि ये झूठे हैं, वो सबसे बड़े झूठ वो हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए नोमेश श्रीवास्तव, वाराणसी।